बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एलाइड स्कूल सुपीरियर बैरिया कैंपस, एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट क्लास 6, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर 4, विच इज़ फैक्टराइजेशन, SCF एंड LCM। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन की एक डेफिनेशन यहाँ हमारे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है बाई विच एज होल नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जिसमें हम एक होल नंबर को जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, उसे उसके फैक्टर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ब्रोकन डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोसेस है एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उनकी प्रोडक्ट के तौर पर उसी होल नंबर को जिसे हमने तोड़ा है, फैक्टराइज किया, उसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का। सेकेंड हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है HCF की, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर फैक्टर, या हम इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का नाम भी दे सकते हैं। यानी जब हम दो होल नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें जो दो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, देर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ होल नंबर, पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें जो सबसे पहले हमने काम करना होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स का, और उन कॉमन में से भी जो हाईएस्ट नंबर होता है कॉमन फैक्टर्स में, जो सबसे बड़ा होता है, उसे हम HCF के तौर पर डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो तीन डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आपके पास जो सबसे पहला काम है वो है आपकी एक्सरसाइज 4A, बुक का पेज नंबर आपके पास होगा 52। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग 360, यानी 360 हमारे पास एक नंबर है, हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमने अपना काम जो है वो रफ पे भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आप इसको नीट करना चाहते हैं तो आपने स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। यहाँ पे 360 को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो, ये चूंकि एक इवन नंबर है तो 2 से भी स्टार्ट लिया जा सकता है, और अगर आप 3 से लेना चाहें स्टार्ट तो 3 से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो छोटे नंबर्स हैं या छोटे जो हमारे पास होल नंबर्स मौजूद हैं उनसे स्टार्ट लें अगर तो वो पॉसिबल हो। तो जैसे देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 3 से स्टार्ट लिया, तो हमने इसको डिवाइड करना, 3 1 3, 3 2 6 एंड नाउ वी हैव 0। फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, ये 0, उसी तरह से हम इसको नीचे कैरी कर लें। अब हम 2 पे लेके जा रहे हैं इसको, बिकॉज यहाँ 40 जो है वो 3 के टेबल में मौजूद नहीं होता, तो 2 20 40, 2 10 20 एंड 2 5 10। तो हमारे पास ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये देखें आप, यहाँ पे अगर मैं मजीद करना चाहूँ तो 5 1 5 भी होगा, तो 5 2 2 2 3 एंड 3, दीज आर आर फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं जी ये हमारे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर इज 663। और सबसे पहले तो हमने इसको 3 पे स्टार्ट लिया, क्योंकि 2 पे तो ये हो ही नहीं सकता, लास्ट पे आपको एक ऑड नंबर नज़र आ रहा होगा, तो 3 2 6 3 2 6 एंड 3 1 3। नेक्स्ट आप इसको किसी भी टेबल पे करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 3 पे भी ये डिविजिबल नहीं है, 4 5 6 7 8 वगैरह पे डिविजिबल नहीं है, तो हमें एक नंबर मिला 13, जिस पे हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। 13 को 17 के मल्टीपल, यानी 17 टाइम्स अगर हम काउंट करें तो 221 मुकम्मल होता है। तो हमारे पास 3 ही फैक्टर्स बने हैं, 17 13 एंड 3, ये देखें, क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर्स मौजूद हैं वो है 5180। 5180 की मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन आपके सामने रखी है, 2 से स्टार्ट लिया हमने, 2 2 4, 1 कैरी करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 1 कैरी करेंगे तो 18, 2 9 18 एंड नाउ वी हैव 2 2 4। इसी तरह 2 पे हम इसको कैरी करते जाएंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे जहाँ तक ये सॉल्यूबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको 2 पे डिवाइड कर सकें, बिकॉज ये एक ऑड नंबर है और 2 जो है वो हमारा एक इवन नंबर है। तो 3 से स्टार्ट लिया आप मैंने यहाँ पे, 3 27 81, 3 9 27 एंड 3 3 9। तो हमारे पास जो 3 के दो पेयर्स हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, बाकी ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये मैंने एज इट इज उसी तरह से लिख दिए हैं। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये क्या है, ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, बाई डेफिनेशन एंड बाई रूल। उसी तरह से आपके पास फोर्थ नंबर भी होगा, आपने कोशिश करनी है कि इसको खुद से सॉल्व करें। उसके बावजूद भी मैंने आपके लिए एक स्लाइड जो है वो यहाँ पे तैयार करके रख छोड़ी है, ताकि आपको दिक्कत पेश ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स।
तो हमने जो है वो SCA फाइंड आउट करना है। न्यूवियन मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ बताई है, तो अगर आपने प्राइम फैक्टर यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर लेंगे, उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद आपका जो हाइएस्ट नंबर होगा वो SCF होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिवीन मेथड पे लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा ये डिफरेंट है उससे, तो उसको आपने गौर से देख लेना। ये देखें 36 एंड 84 दो नंबर्स हैं, इसका हमने SCA फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसको हम डिवाइड कर लेंगे अपने स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर। 32 यहाँ पे 36 है, 36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गॉट 72, क्योंकि 3 पे अगर हम काउंट करेंगे तो 84 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम देखेंगे 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, 12 बचता हमारे पास रिमाइंडर। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये 36, ये देख रहे हैं, इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम इस नंबर के साथ, नॉर्मल डिवीजन मेथड हो जाएगा। 12 3 ज़ा 36, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है वो मुकम्मल ये डिवाइड हो गया। तो हमारे पास लास्ट नंबर जो है वो क्या बचा है, 12, एंड 12 इज़ आर फाइनली आर SCF। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप के क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 60 एंड 96, तो 96 को हम ग्रेटेस्ट नंबर है 60 पे डिवाइड करते हैं, 61 द 60, तो वी गॉट 36, ठीक है। 36 को अगर मैं वन टाइम काउंट करूँ तो वो आएगा 36, तो ये 60 अब आपने नेक्स्ट लेके आना है यहाँ, ठीक है। 36 जो है वो आपके पास मौजूद है, 60 को आप डिवाइड करेंगे 36 पे, तो 36 वन द 36, वी हैव 24 रिमेनिंग। अब इस 36 को आगे आप इसी तरह से कैरी लेके आएंगे, आगे ले आएंगे जैसे हमने 60 उठाया था, तो 24 वन ज़ा 24, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो है 12। अब 24 को आगे लेके आते हैं, 12 2 ज़ा 24, क्लियर है। यहाँ पे कटिंग इसकी प्रॉपर रहती है, सो आर फाइनल SCF इज 12। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने आपके सामने आंसर्स जो हैं वो रेडी करके रखे हैं, पार्ट नंबर 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपने जो है वो खुद से सॉल्व करने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, बुक का पेज नंबर 53 है। स्टूडेंट्स मेथड सिंपल है, सिमिलर है जो लास्ट हमने किया, मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि नंबर्स आपको थोड़े से बड़े नज़र आ रहे होंगे तो शायद आपको लगे कि डिवीजन जो है वो लेंथी हो, और होगी भी। तो आपने जो ग्रेटेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर पर डिवाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 3996 डिवाइडेड बाई 300, तो 300 को मैं अगर काउंट करूँ 1 to 1 टाइम्स तो वी गॉट 3600। इसके लिए आपको हो सकता है कि सिंपल कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़े, सादा छोटे वाला, अगर वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप आसानी से इसको 300 का जो टेबल है रफ वर्किंग के ऊपर आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर अमाउंट जो होगी वो होगी 396, ठीक है। तो 396 है, इसी तरह से हम 300 को ले आएंगे यहाँ पे, उसके बाद उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 1 बाय 1 फाइनली जो हमारे पास आंसर बचना वो होगा 12, ठीक है। यानी सेम मेथड है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें नंबर्स जो हैं वो थोड़े से बड़े आपको नज़र आ रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पास ये दो नंबर्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, सॉल्व आपने इसको खुद ही करना है, बिल्कुल सेम मेथड है जो हमने लास्ट अटैम्प्ट किया हुआ है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो थोड़े से ग्रेटर आ रहे होंगे नज़र आपको। अब आ जाते हैं ऐसे नंबर्स के ऊपर जिनमें 3 अमाउंट्स आपके पास मौजूद होती हैं 2 के अलावा, तो इनका आप क्या करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन में भी मिलेंगे, उसके भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं शायद लास्ट पे जो आपको नज़र आए हों कि जी इसमें जो है वो 3 अमाउंट्स हैं, तो 3 अमाउंट्स का SCF जो है वो किस तरह से लिया जाए बाय डिवीजन मेथड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आपने जो आपका सब जो सेंट्रल नंबर है, ठीक है, जो नहीं जो सेकंड हाईएस्ट है उसको आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड कर लेना, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको हम लास्ट पे रख छोड़ते हैं, अभी उसके साथ हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। तो 665 डिवाइडेड बाय 399 वी गॉट 399 वन द 399, ये रिमाइंडर आएगा आपके पास 266, तो 399 को हम यहाँ ले आएंगे डिवाइड करने के लिए, तो 266 को अब माइनस करेंगे यहाँ से तो ये अमाउंट बचती 133। अब ये 266 जो है ये यहाँ पर अब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 133 को 2 टाइम्स काउंट किया जाए तो वो अमाउंट क्या आती है 266। अच्छा ये दो तो मतलब सिमिलर मेथड के ऊपर हो गया, अब इसका हम क्या करें। तो ये जो लास्ट नंबर आया स्टूडेंट्स आपके पास 133, इसको जब आप लास्ट नंबर को इस पर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ मैंने आपके लिए तैयार किया, ये था हमारा लास्ट नंबर, ठीक है। अब हमने अपने इस लास्ट फाइनल फैक्टर के ऊपर इसको डिवाइड किया, ये लें जी ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 133 जो फैक्टर है वो हमारे पास मौजूद है, वो क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप 4 नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। इसी तरह से सेंट्रल सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है उसको आप डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट के ऊपर, और फाइनल जो आपके पास अमाउंट होगी फिर वो वन बाय वन दोनों को ऊपर आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और आंसर अपना ले सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर वी डिवाइड्स 2300 एंड 3500, लीविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास वो कहता है कि आपने ग्रेटेस्ट जो नंबर हैं वो आपने स्टार लेना है, डिवाइड करना ग्रेटेस्ट नंबर को, फाइंड करना हमने ग्रेटेस्ट नंबर को कि उसे हम डिवाइड करें 23 और 35, और तो हमारे पास रिमाइंडर दो बचने चाहिए, वो कहो क्या हो, 32 एंड 56 रिस्पेक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 2300, ठीक है, इसकी डिवीजन हमने सिंपल सॉल्व करनी है नॉर्मल मेथड्स के ऊपर, और इसी तरह से हम 3500 को भी डिवाइड करेंगे। एक ही सिंबल मैंने नंबर उठाया 84, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जनाब रिस्पेक्टिवली हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है 32, सेकंड का रिमाइंडर क्या आ रहा है 56, तो यही रिमाइंडर उसने हमसे मांगे थे। तो मैंने जो नंबर ढूंढा है वो है 84। इसके लिए थोड़ी सी आपको मशक्क़त ये करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के आपको जो है वो डिवाइज़र ढूंढना पड़ेगा, यानी खुद से एक रफ के ऊपर वर्किंग जो है वो आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो भी सिंपल है और सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह। अ रूम इज 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 91 सेंटीमीटर बोर्ड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वेयर टाइल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। तो हमारे पास जो है वो नंबर्स मौजूद हैं, तो हम वन बाय वन ये देख रहे हैं, 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1200 एंड 15 सेंटीमीटर्स बनेंगे, और 8 मीटर एंड 91, तो ये हमारे पास 891 मुकम्मल आएगा, ठीक है। तो हम इसका एच सी एफ जो है वो डिवीजन मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे, तो लास्ट जो हमारे पास फैक्टर होगा वो हमारा आंसर निकलेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन और जो लास्ट हमने इसको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर दे दिया गया है, करना कैसे वो मैंने आपको बताया। ये देखें 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, वी गॉट 100 मीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स इन अ 1 मीटर, सो वी हैव 1200 एंड 15 सेंटीमीटर्स इसको टोटल करें तो, और नेक्स्ट जो अमाउंट बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रेटर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे और करते चले जाएंगे, लास्ट जो हमारा फैक्टर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइंड द टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 एंड आई सी एफ। इसी तरह से हम अपना आई सी एफ नेक्स्ट नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन जो आपके पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो यही हैं कि आपने करना क्या है, आपने अपने एस सी एफ और एल सी एम एस सी एफ को डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4B जो आपके बुक के पेज नंबर 59 के ऊपर है, उसमें एल सी एम्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, वो आसान सा टास्क होता है, उसको भी हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में जो आपको मैंने काम बताया है स्टूडेंट्स, आपने उसको अच्छे से देख लेना है, वीडियो रिवाइंड कर लेनी है और अपनी एक्सरसाइज 4A को जो है वो मुकम्मल कर लेना है। शुक्रिया।